इन आदिल भाई से मिलना है और मुझे यहाँ पे प्रकृति को निहारना है। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार साहब। सर आप भोली निधि नर्सरी से कितने दिन से जुड़े हुए हैं? मेरे को करीब अगर मैं याद करूँ तो 4 साल करीब हो गए मेरे को जुड़े हुए। और यहाँ की आपको प्राइस वगैरह कैसे लगी? प्राइस तो बड़ी मतलब बहुत ही रिजनेबल प्राइस है और क्वालिटी आप पौधों की मतलब आप रख रखाव देखिए, यहाँ की मतलब बनावट देखिए, बहुत ही मतलब शांति मिलती है यहाँ की, मेरे को सुकून मिलता है कि मैं महीने में एक बार तो विजिट करता ही करता हूँ। कोई भी काम नहीं हो मैं उठ के आ जाता हूँ एक बार गाड़ी लेके कि नहीं आदिल भाई से मिलना है और मुझे यहाँ पे प्रकृति को निहारना है, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। और ये नर्सरी आपको कितनी बड़ी लगी सर? भीलवाड़ा में ऐसी कोई नर्सरी है इतनी? नहीं मैंने पहले मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है जहाँ इतनी मतलब बिगो बिगो में फैली हुई है। आपको सारी क्वालिटी के सारी ब्रीड के आपको आपको यहाँ पे फूल फ्लावर सब मिल जाएंगे, फ्लावर मिल जाएंगे आपको। सर हमारे यहाँ आपको कितने प्रकार के पौधे मिल गए? पौधों की अगर वेरायटी की बात करूँ तो 1000 से ऊपर यहाँ पे वेरायटी मेरे को अभी तक तो मैंने देख चुका हूँ मैं, और अभी मैं घूम ही रहा हूँ, मतलब मैं खुद सोच नहीं पा रहा हूँ कितने कितनी वेरायटी और मतलब प्रकृति ने देर की और कितनी वेरायटी यहाँ पे मेंटेन करके इन्होंने, मतलब आनंद आ गया मतलब यहाँ पे। और आप अपने घर पे कितने पौधे लगा रखे होंगे सर? मैंने कम से कम 250 प्लस गमले लगा रखे हैं और मोस्टली पौधे यहीं से मैं ले गया हूँ क्योंकि यहाँ की सर्विस बढ़िया है। कोई भी दिक्कत होती है मैं फोन पे पूछ लेता हूँ कि इसमें कितना पानी डालना है, इसमें क्या खाद डालनी है, इसको कैसे मेंटेन रखना है। तो आदिल भाई इसलिए मेरी इसमें भरपूर मदद करते हैं, वो मतलब वो भी कितनी बार मेरे वहाँ पे आ जाते हैं घर पे देखने कि यार पौधा कौन सा सही चल रहा है, किसमें क्या खराबी हो रही, वो भी मतलब पूरी अपनी तरफ से पूरा दिलो जान से काम करते हैं। सर आपको पौधे लगाने के बाद या पौधा लगाने के पहले कैसे फील होता है, और जब आपने पौधे लगाए तो पौधे लगाने के बाद आपको कैसे फील होता है सर, और कितना अच्छा लगता है? उसके तो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब इतना सुकून मिलता है ना, मन को शांति मिलती है। हम जैसे बच्चे को पालते छोटे बच्चे को कि जैसे मेरा बेटा है, जैसे हम इसकी देखभाल करते हैं वैसे मैं पौधे को संभालते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। सुबह मैं उठता हूँ उसमें मतलब पानी डालता हूँ, उसको सहेजता हूँ, मिट्टी खोदता हूँ, और हर पौधे को मतलब देखने में इतना आनंद आता है जिसकी मैं बोल नहीं सकता कुछ भी मैं। और हमारे जो व्यूजर हैं जो अभी कोई वीडियो देख रहा है पौधे नहीं लगाए हैं, पौधा लगाने के लिए सोचते हैं और पौधा सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हम पौधा कौन सा लगाएं, या हम पौधे को किस जगह से परचेस करें, आप उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? इसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप भीलवाड़ा से करीब 12-15 किलोमीटर दूरी पे ही अपनी बड़ी नर्सरी है बोली दी नर्सरी, वहाँ आइए, वहाँ भैया से मिलिए, वो सारी टेंशन आपकी दूर कर देंगे। आपको कौन सा पौधा सिलेक्ट करना है, कौन सी दिशा में लगाना है, किस मौसम में लगाना है, आपको यहाँ पे कोई मतलब इस चीज की टेंशन लेनी नहीं है। आपको वो बढ़िया से गाइड कर देंगे, आपको पूरा समझा देंगे। यहाँ सारी सब मिल जाएंगे आपको, पौधा मिल जाएगा, सारे गमले मिल जाएंगे आपको, खाद मिल जाएगी, केचुआ खाद मिल जाएगी, सब तरह की आपके अवेलेबिलिटी हो जाएगी यहाँ से आपको। थैंक यू सर। दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, तो आपको ऐसी जानकारी समय से मिलती रहेगी, आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेंगे।